दादूपुर नलवी नहर को लेकर यमुनानगर में किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में दशहरे के दिन किसानों ने काला दिवस के रूप में इस दशहरे को मनाया। किसानों ने काली पट्टी बांधकर यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी जाहिर की, तो वहीं किसानों ने हरियाणा सरकार के 5 मंत्री, सीएम व जिले के 4 विधायक का पुतला भी दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस से कुमारी शैलजा और पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव भी पहुंचे, जिन्होंने भाजपा सरकार को जमकर कोसा। जिस तरह से इस सरकार ने इनके ऊपर इनको इतना प्रताड़ित किया है, दादूपुर नलवी नहर का एकदम इन्होंने बिना कुछ देखे, जब मुआवजा देने की बात आई, कोर्ट ने इनको मुआवजा ज़्यादा देने की बात कही, तो इस सरकार ने आनन फानन में बिना कोई स्टडी करवाए, बिना कुछ देखे, एकदम इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। देखिए जी, ऐसा है कि ये दादूपुर नलवी, जब मैं सिंचाई मंत्री था, हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने बनाई थी और सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसकी बकायदा इसको स्वीकृति दी और एनसीआर से कुमारी शैलजा जी ने हमें पैसे दिलवाए थे और ये नहर करीबन 50 किलोमीटर बन चुकी है। जहाँ पहले 150 के करीब जो है वाटर लेवल था, ऊपर उठ के करीबन 30-40 फुट पानी ऊपर आ गया है, क्योंकि जीरे का इलाका है। और मैं समझता हूँ ये करके एक तरीके से किसानों को सूली पर चढ़ा दिया है, जो भारतीय किसान यूनियन के ऊपर ये इन्होंने ये थोपा गया है कि आप ब्याज समेत पैसे वापस करें, ये बहुत ज़्यादती है।